नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा भोजन करने के क्या क्या नियम हैं। यदि हम एक नियम के तहत, नियम के अनुसार भोजन करते हैं तो हम पूरा जीवन जो है स्वस्थ रह सकते हैं। केवल और केवल नियमों से ही हमारे अंदर बहुत सारी जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और आप सबको अच्छे से पता है कि जब शरीर में एक चीज़ इम्बैलेंस होती है, एक छोटी सी चीज़ इम्बैलेंस होती है, तो उसी के कारण आगे चल के अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जो है उत्पन्न होती है। तो उन्हीं में से है नियम। यदि हम नियमों को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो भी हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न होंगे। तो नियम कौन कौन से, आइए उसको जो है हम जान लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक साथ मिक्स करके नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने खुद स्वयं जो है अपने ही जीवन से सीखा है कि अनेकों प्रकार की चीज़ों को जब हम एक साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। और आपको अच्छे से पता है कि जब डाइजेस्ट नहीं होंगी चीज़ें तो वो बाहर भी नहीं होगी। जब भोजन हमारे शरीर के अंदर एकदम अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो ही वो बाहर जा पाएगा। तो अब इसमें देखिए, कभी भी आप फल को और अनाज को एक साथ मिक्स नहीं करना है। अनाज और जो है फल, फल जो है कि पचने में बहुत हल्के होते हैं और उनका जो ट्रैवलिंग पीरियड है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो ट्रैवल करते हैं, बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट होता है। मान के चलिए फल जो है वो 2 घंटे के अंदर जो है पूरा सफ़र तय कर लेते हैं, 2 से 3 घंटे के अंदर। ग्रीन जूसेस जो है एक से दो घंटा लगाते हैं। तो उसी प्रकार से जो अनाज है उसको ट्रैवल करने में बहुत लंबा समय लगता है। मान के चलिए 8-10 घंटे, 8-10 घंटे से लेके, ठीक है, 8-10 घंटे से लेके 48-48 घंटे तक उनका ट्रैवलिंग पीरियड है। मतलब यहाँ से आप डालेंगे तो जब बाहर निकलेगा, ठीक है, कॉलन में जाएगा, तो उसमें 8-10 घंटे से लेके 48-48 घंटे तक लग जाता है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप अनाज पहले खा लेंगे और फ्रूट खाएंगे बाद में, तो एक बात बताइए, फ्रूट वहाँ पड़े पड़े क्या होगा। मान लीजिए आपने अनाज खा लिया है और स्टमक में ही ये जो पहला वाला पेट है, जो सबसे पहले हमारा पेट होता है जहाँ भोजन जाता है, स्टमक में अनाज पड़ा हुआ है और अनाज मान लीजिए स्टमक 4 घंटे ले रहा है, ठीक है, अमूमन ये 2-3 घंटे तो ले ही लेता है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इतना लेगा, अदरवाइज़ अगर डाइजेस्टिव फायर जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं वो मंद है तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब यहाँ अनाज पड़ा हुआ है 4-4 घंटे के लिए और आपने डाल दिया फ्रूट, जो कि फ्रूट स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट, आधा घंटा रुकता है, उसके बाद वो आगे चला जाता है। अब वो 3-4 घंटा वहाँ बैठ के क्या करेगा, फर्मेंट होने लगेगा, आपको डकारें आने लगेंगी, ठीक है, आपको जो है डकारें आने लगेंगी। तो इस तरह से ये गलती नहीं करना है, हमेशा जो है आप फ्रूट जो है उसको पहले खाएं और अनाज जो है उसके बाद में खाएं। ठीक उसी प्रकार से ग्रीन जूसेस को पहले लें, उसके बाद फ्रूट लें, उसके बाद अनाज लें। मैं जो है आप लोगों को डाइट किस तरह से बताता हूँ कि मॉर्निंग में सबसे पहले आप ग्रीन जूस लें, फिर सेकंड नंबर पे जो है आप फ्रूट लें और तीसरे नंबर पे जो है आप मिलेट लीजिए, ठीक है। इनिशियली तो वैसे तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई पूरा दिन कच्चे पे रहें, कम से कम 1 से 2 महीना, और रात को एक टाइम मिलेट लें, उसके बाद जो है आप मिलेट 2 बार ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको सबसे पहले ग्रीन जूस लेना है, दूसरे नंबर पे फ्रूट लेना है,
तीसरे नंबर पे चल के आपको जो है मिलेट लेना है, ठीक है, मिलेट पका के खाना है। उससे भी पहले आप जो है सलाद ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि जूस को जो है डाइजेस्ट होने में या निकलने में बहुत कम वक्त लगता है, नंबर एक। फ्रूट को फिर जो है उसे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, और अनाज को जो है बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो दोस्तों ये तो रहा नंबर एक पे नियम। अब दूसरे नंबर पे जो नियम है वो ये है कि जो है पानी और खाना ये कभी भी आप एक साथ मत पीना, ठीक है। ये सब मैंने अपने जीवन से सीखा, अपने जीवन की गलतियों से ही सीखा है दोस्तों। ये गलतियाँ मैं खुद स्वयं करता था, और आज की तारीख में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा से जो है आज वो सारा ज्ञान मुझे आ चुका है, वो सब मैं सीख चुका हूँ कि गलत क्या सही क्या है। तो इस तरह से कभी भी आप भोजन और पानी को एक साथ मत मिक्स करना, लिक्विड चीज़ों को और भोजन को एक साथ मिक्स मत करना। बहुत लंबा पीरियड लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता, फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। पचेगा नहीं तो क्या करेगा, फर्मेंट होगा। ये जो डकारें आती इसीलिए आती है क्योंकि आपका खाना पचा नहीं है। आप ये समझ लीजिए, डकारें अगर आ रही हैं तो आपका खाना पचा नहीं है। आपको एसिड बन रहा है तो आपका खाना पचा नहीं है। तो इसलिए जो है आप पानी और उसको पानी मेरे अनुसार मिनिमम से मिनिमम एक घंटा पहले पीना चाहिए। उससे भी पहले और बैग जाओ तो डेढ़ घंटा पहले अगर आप पी लें तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। आधा घंटा पहले तो नहीं पी सकते हैं आप, ठीक है। एक से डेढ़ घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा पहले अगर आप पी लेंगे तो आपकी जो अग्नि है उसको बुझा देगा। पानी ठंडा होता है, अग्नि उसको अग्नि को बुझा देगा। अब आप खाना कैसे पचा पाएंगे जब आपकी अग्नि ही मंद है। तो इसलिए जो है आपको पानी जो है घंटा डेढ़ घंटा मिनिमम का गैप करके पीना है। ये तो रहा दोस्तों दूसरा रूल। वन सेकेंड, तो खाना जो है आप हमेशा भूख लगने पे ही खाएं। खाना अगर आप घड़ी देख के खाएंगे तो मान के चलिए कि शरीर में रोग आना लाजमी है। आप भूख के अनुसार खाना खाइए, आप अपने शरीर को फॉलो कीजिए कि कितना भूख लग रही है। अगर आप घड़ी देख के खाएंगे तो इधर जठर अग्नि तैयार नहीं है, पचाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला खाना ही डाइजेस्ट नहीं कर पाई है और आप अगला डालने वाले हैं। तो बॉडी का जो एक वो होता है ना, वो एक ही जगह पे काम करता है। मान लीजिए अगर आपका जो है आज पेट साफ नहीं हुआ तो शरीर का पूरा पूरा जोर जो है वहीं पे होगा, कॉलन्स पे होगा। तो अब अगर आप भोजन डालेंगे तो जोर तो वहाँ चल रहा है, तो खाना पचेगा कैसे। तो इसलिए पहले वाला खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही डालें, और ये आपका पेट जो है बता देगा। तो इसलिए हमें घड़ी देख के जो है नहीं खाना है। दूसरी बात, रात को जो है खाना आप जल्दी खाएं, क्योंकि होगा क्या है कि जब आप जल्दी खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद सुबह जो है आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इसलिए रात्रि का जो भोजन है उसको बहुत ज़्यादा आप जो है लेट ना करें। इसके अलावा जो है आप यदि अनाज खा रहे हैं तो उसमें एक अच्छा खासा गैप रखें, ठीक है। मिनिमम 7 to 8 hours, अगर आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो 8 घंटे का गैप आप रख सकते हैं। यदि आप अनाज ले रहे हैं, ठीक है, मिलेट्स ले रहे हैं, तो 7 to 8 hours का आप गैप रख सकते हैं। अगर कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत के काम में जो है ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, खाना पच भी जाता है आराम से, और उसमें क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका कंप्यूटर पे काम है तो आप मिनिमम 8 घंटे का जो है गैप रखें, सो दैट पिछला खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और नेक्स्ट जो है जब आप खाना डालें तो एकदम बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए।
तो दोस्तों ये हैं कुछ बहुत ज़रूरी नियम, ठीक है। खाना आप घड़ी देख के ना खाएं, पिछला खाना पच जाए तो ही डालें, ठीक है। और दो चीज़ों ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप ना करें, जैसे कि फ्रूट अनाज, फ्रूट में भी बहुत सारे फ्रूट्स ना मिक्सअप करें, ठीक है। ये मेरा अपना अनुभव है, पता लगा सिट्रस फ्रूट्स आपने डाल दिया, उधर से कुछ और दूसरे वाले डाल रहे हैं, ठीक है। और आपको एक तरफ से एसिडिटी है, गैस बनी हुई है, तो सिट्रस वाले फ्रूट्स आपको दिक्कत करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों ये है खाने पीने के कुछ बहुत ज़रूरी नियम जिन्हें हमें जो है फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।